हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अ टेक्निकल एनालिसिस सीरीज बाय डीके। दोस्तों, आज ट्रेड आइडिया के तहत ये एपिसोड नंबर है 153। एंड दोस्तों, आज इसके तहत हम मल्टी टाइम फ्रेम टॉप डाउन अप्रोच को अडॉप्ट करते हुए टेक्निकल एनालिसिस करेंगे दोस्तों, और वो है सन टीवी का प्राइस चार्ट, जो एक मासिव डाउन ट्रेंड में था और सर्टेन फॉर्मेशंस मैंने कुछ ऑब्जर्व किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और जानने की कोशिश करेंगे क्या इसमें कोई ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी या इन्वेस्टमेंट का प्रस्पेक्टिव हमें दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल को वॉच कर रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपके राइट साइड में एक सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक करें और इस ब्यूटीफुल परिवार का हिस्सा बने दोस्तों। एंड दोस्तों, बेल आइकन को एनेबल करना नोटिफिकेशन के लिए नहीं भूलिएगा, ताकि हर आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप कोई भी वीडियो इस चैनल पे मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये सन टीवी का मंथली टाइम फ्रेम में एनएससी इंडिया पे प्राइस चार्ट है। हम इसमें क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों कि एक मेजर इंपल्सिव वेव ये है, फिर एक डीपर करेक्शन हुआ, प्राइस ने यहाँ पे नैरो रेंज में ट्रेड किया और इसके बाद दोस्तों एक नया हाई बनाया। अभी रिसेंट टाइम में एक मेजर करेक्शन हुआ है। तो दोस्तों, इसमें हम क्या देख सकते हैं? सबसे पहली पॉइंट ऑब्जर्व करने वाली बात यह है दोस्तों कि ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन जो ड्रॉ की गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, प्राइस ने यहां पर मल्टीपल रेजिस्टेंस लिया, इस जगह पे मल्टीपल रेजिस्टेंस हम देख सकते हैं, और इसके बाद जब इसका ब्रेकआउट हुआ दोस्तों अगस्त 2016 में, इसके बाद ये सपोर्ट की तरह एक्ट करने लगी। एंड वंस अगेन दोस्तों, ये यहाँ पर सपोर्ट लेके रिवर्सल इंडिकेट कर रही है। हम देख सकते हैं कि एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ अगस्त 2019 में, एंड एक बुलिश का रिवर्सल पैटर्न बना, बुलिश अंगल्फिंग, जो सितंबर 2019 में यहाँ पे फॉर्म हुआ दोस्तों। अब ये करेक्शन के बाद नैरो रेंज में प्राइस ट्रेड कर रही थी, और ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का भी ब्रेकआउट हम यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, इसमें मल्टीपल रेजिस्टेंस है, और इसके बाद ये यहाँ सपोर्ट की तरह काम की, एक रिवर्सल टेंडेंसी देखी गई, प्राइस ने सस्टेन नहीं किया ऊपर में, और फिर ये एक सेकेंड लेग का करेक्शन हुआ। और हम क्या अब ऑब्जर्व कर सकते हैं, बहुत की इम्पॉर्टेंट है कि ये नीचे की ट्रेंड लाइन को देखें दोस्तों। तो यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, इस जगह पे सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, और वंस अगेन वहीं पे सपोर्ट लेके ये रिवर्सल दर्शा रही है। अगर ये हम फॉलिंग ट्रेंड लाइन की बात करें तो मल्टीपल रेजिस्टेंस देख सकते हैं, प्राइस रिजेक्शन यहाँ पर था, इस जगह पे था, इस जगह पे मल्टीपल रिजेक्शन है। तो दोस्तों, ये एक कन्फ्लुएंसिंग पॉइंट है जहाँ पर फॉलिंग ट्रेंड लाइन जो पहले रेजिस्टेंस थी, अब सपोर्ट की तरह काम कर रही है, और दोस्तों ये राइजिंग ट्रेंड लाइन एक एस्टैब्लिश सपोर्ट थी, क्योंकि मल्टीपल टच पॉइंट है। नीचे की ट्रेंड लाइन को दोस्तों एक अलग तरीके से भी खींचा जा सकता है, जो मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको खींच के दिखाता हूँ। यहाँ से प्राइस ने एक मूव दिखाया, और हम यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया, इस जगह पर प्राइस ने सपोर्ट लिया, और वंस अगेन प्राइस यहाँ सपोर्ट लेके एक रिवर्सल दर्शा रही है।
इसके अलावा दोस्तों हम सभी जानते हैं टेक्निकल एनालिसिस का मूल आधार जो है वो है कि इतिहास अपने आप को रिपीट करता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो चलिए दोस्तों हम रिट्रेसमेंट एस्पेक्ट को देखते हैं। दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट इम्पल्सिव वेव था और यहाँ देखिए दोस्तों ये 61.8% के करेक्शन के बाद प्राइस ने एक नया हाई बनाया। अब हम इसे रिट्रेसमेंट को रिमूव कर देते हैं एंड करंट लेग के रिट्रेसमेंट को देखते हैं। ये एक मेजर इम्पल्सिव वेव था। अगर हम इसका रिट्रेसमेंट देखें दोस्तों तो प्राइस वंस अगेन रिट्रेस होके 61.8% जो गोल्डन रेशियो है रिवर्सल दिखा रही है। तो मोर और लेस सेम टाइप ऑफ रिट्रेसमेंट यहां पर भी नजर आ रहा है। अब हम क्या देख सकते हैं दोस्तों, ये एक प्राइस अभी जो ट्रेड हो रही है करंट मंथ में, ऑफ कोर्स करंट मंथ की कैंडल समाप्त नहीं हुई है, कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे यहां पर रेजिस्टेंस देती हुई नजर आ रही है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इस एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं, वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं। ये फ्रेंड्स वीकली टाइम फ्रेम में प्राइस चार्ट है। हम देख सकते हैं कि प्राइस ने यहाँ पर लोअर लोस एंड लोअर हाइस का फॉर्मेशन कर रही थी और इसके बाद हमने क्या देखा दोस्तों कि मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि प्राइस ने यहाँ पे करेक्शन होल्ड किया। और अगर हम इसे ऐसे ड्रॉ करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं ये एक रेजिस्टेंस लाइन थी, प्राइस रिजेक्शन वंस अगेन ये शेडो देखिए कैंडल की दोस्तों, प्राइस रिजेक्शन। और इसके अलावा हम देखें दोस्तों, मैं एक और लाइन खींचता हूं और इसे अगर हम ऐसे ड्रॉ करें ये देखिए और इसे हम एक्सटेंड कर दें, ये देखिए फॉलिंग वेज का यहाँ पे क्लियर कट हम ब्रेकआउट देख सकते हैं उस वीक में जो वीक 21 अक्टूबर 2019 को स्टार्ट हुआ। इसके बाद हम एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन देख सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस अभी एक एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है जो कन्फ्लुएंसिंग पॉइंट है ईएमए 55 का। अब दोस्तों यहाँ पर सपोर्ट था, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया और एक बुलिश पिन बार का फॉर्मेशन हम क्लियर कट यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये रिवर्सल की टेंडेंसी दिखा रहा है, फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट हुआ है और दोस्तों जब ये ब्रेकआउट हुआ फॉलिंग वेज का तो वॉल्यूम में हमने यहाँ बढ़ोतरी देखी। अब दोस्तों रीसेंट प्राइस एक्शन को चेक करने के लिए चलिए डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं और स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये डेली टाइम फ्रेम में हम आ गए, सारी ड्रॉइंग्स को मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि रीसेंट प्राइस एक्शन को स्टडी करने में आसानी हो। अब हम डेली टाइम फ्रेम में क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक डाउन ट्रेंडिंग मासिव डाउन ट्रेंडिंग मूव में था और लोअर हाइज एंड लोअर लोस का फॉर्मेशन कर रहा था, हम यहां पर क्लियरली देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इस लेग में ध्यान से देखें दोस्तों, इस लेग में ये प्राइस ने एक करेक्शन दिखाया और उसके बाद यहाँ पे प्राइस ने एक हॉल्ट लिया और यहां पर मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूं, यहां पर देखिए डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ और डबल बॉटम का जो अपेक्स था उसे मैं ड्रॉ करता हूं। आप देखिए ये अपेक्स था, इसका क्लियर कट यहां पर ब्रेकआउट हुआ दोस्तों और ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस ने अपसाइड मूव किया और एक जो नॉर्मल टेंडेंसी होती है कि एक करेक्शन हुआ और पिछला जो ये रेजिस्टेंस था अब ये सपोर्ट की तरह काम किया तो उसने दोस्तों अपेक्स को रिटेस्ट किया और इसके बाद दोस्तों ये पहला साइकिल हायर हाइज एंड हायर लोस का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। इसके अलावा हम और क्या देख सकते हैं, मैं आपको एक मोमेंटम इंडिकेटर की तरफ अटेंशन को ड्रॉ करना चाहूंगा। यहां पर हम क्या देख सकते हैं, प्राइस लोअर लोस फॉर्मेशन कर रही थी बट मोमेंटम इंडिकेटर जो है हायर लोस का फॉर्मेशन कर रहे थे जो क्लियर कट इंडिकेट करता है दोस्तों कि ये एक बुलिश डाइवर्जेंस था, पॉजिटिव डाइवर्जेंस था और मोमेंटम में लॉस हम क्लियरली देख सकते थे डाउनसाइड में, तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। इसके अलावा दोस्तों आरएसआई में अगर हम देखें तो आरएसआई 30 के नीचे में यहाँ पे आई,
इसके बाद इसने स्विंग हाई बनाया, नेक्स्ट टाइम वो 30 के नीचे में नहीं आई और बुलिश आरएसआई का स्विंग ब्रेकआउट मोमेंटम इंडिकेटर में हम देख सकते हैं। ये सारी दोस्तों हमने लर्निंग की है जीरो टू हीरो श्रृंखला में। आपको याद होगा जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है आरएसआई और एमएससीडी पे, वो जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट में जाएं और उसमें से वो देख सकते हैं। अब मैं एक फॉल इन ट्रेंड लाइन खींच के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। प्राइस देखिए, ये मैं काउंट फॉलिंग ट्रेंड लाइन खींच रहा हूं दोस्तों, और ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है दोस्तों ये प्राइस ने यहां रिजेक्शन दिखाया, यहां रिजेक्शन दिखाया प्राइस ने, और इसके बाद यहां पर हम एक बड़ी बाढ़ अपर शेडो का फॉर्मेशन देख सकते हैं। इसके अलावा हम और क्या देख सकते हैं, मैं थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के दिखाता हूं कि ये लाइन मैंने खींची और इसे मैं थोड़ा सा फाइन ट्यून करता हूं। प्राइस ने यहां सपोर्ट लिया, यहां पे मल्टीपल सपोर्ट देख सकते हैं, और इसके बाद दोस्तों ये लाइन रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही थी। अब यहां पर प्राइस ने इसको ब्रेकआउट करने के बाद करेक्शन किया और इस रेजिस्टेंस पे सपोर्ट लेके हम आज की कैंडलस्टिक देख सकते हैं कि बहुत क्लियर कट फ्रेंड्स यहां पर इसने एक बुलिश एनगल्फिंग फॉर्मेशन किया है, बुलिश कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन किया है जो बुलिश एनगल्फिंग है। और ये सिग्निफिकेंट बात यह है कि प्राइस ने रिट्रेसमेंट के बाद ईएमए 21 पे सपोर्ट लिया है। ईएमए 21 ईएमए 55 को क्रॉसओवर कर चुकी है और दोनों मूविंग एवरेज का स्लोप जो है अपवर्ड है, तो ये क्लियर कट एक रिवर्सल का इंडिकेशन दे रहा है। अब दोस्तों क्या हम कोई चार्ट पैटर्न देख सकते हैं, तो एक चार्ट पैटर्न मैंने दिखाया डबल बॉटम के फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे क्लियर कट ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के दौरान एक सर्ज इन वॉल्यूम हम देख सकते हैं, जो पहला सिग्नल था कि एक डेफिनेट सिग्नल है कि इसमें ट्रेंड रिवर्सल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हम अगर ये देखें, प्राइस ने यहाँ पे एक लो बनाया, लो बना के ये अपसर्ज दिखाया, ये अपर पॉइंट हो गया। अपर पॉइंट से देख के अगर हम इस अपर पॉइंट को ज्वाइन करें, ये देखिए मैंने ज्वाइन किया, ये अपर पॉइंट देखिए, यहां से प्राइस ने रिजेक्शन दिखाया, तो हम क्या देख सकते हैं कि ये एक लेफ्ट शोल्डर है, हेड का फॉर्मेशन, राइट शोल्डर का फॉर्मेशन, और ये ब्रेकआउट जो ब्रेकआउट हुआ बहुत क्लियर कट 18 अक्टूबर 2019 को, और उसके बाद प्राइस ने करेक्शन करके ईएमए 21 पे सपोर्ट लिया। इसका तात्पर्य ये है दोस्तों कि ये जो नेकलाइन है जो अभी ड्रॉ की गई है, जो कन्फ्लुएंसिंग एरिया है ईएमए 55 का, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगी। तो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, बहुत क्लियर कट होना चाहिए कि जो आज की क्लोज कैंडल है उसका जो हाई है दोस्तों वो है 531.85, तो हम इसके ऊपर में एंटर करेंगे। तो यहाँ पर हम अपनी एंट्री को दर्शा देते हैं और इसे मैं मार्क कर देता हूँ, तो ये एंट्री हो जाएगी 500 से 34, तो 534 पे हम एंट्री को मार्क कर देते हैं। एंट्री ये एंट्री हो गई फ्रेंड्स। अब स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस दोस्तों ये जो अगर हम इनवर्स हेड एंड शोल्डर के अनुसार अगर टारगेट को देखते हैं, तो ये दोस्तों जो राइट साइड का शोल्डर है इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए जो पोजिशनल ट्रेडर है, तो उसके हिसाब से स्टॉप लॉस यहां आता है, जो इसे मैं मार्क कर देता हूं, तो हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है 455। ये मैं पोजिशनल ट्रेड की बात कर रहा हूं दोस्तों, 455, ताकि हम एक लंबे ट्रेंड को राइड कर सके। तो
तो दोस्तों स्टॉप 455 आ गया पोजिशनल ट्रेडर या इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं दोस्तों तो हमारा स्टॉप लॉस पिछला स्विंग लो के जस्ट नीचे होना चाहिए, बिकॉज ये जो लाइन है दोस्तों जो रेजिस्टेंस लाइन थी अब स्ट्रांग सपोर्ट की तरह काम करेगी, या तो इससे एक ATR नीचे या इसका प्रीवियस स्विंग के नीचे जो दोस्तों 500 के पास आता है। अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, अगर हम इन्वर्स हेड एंड शोल्डर के हिसाब से टारगेट निकालें तो हम ये हेड से लेके नेक लाइन की दूरी नापते हैं और पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट जो है वहाँ से इसे प्रोजेक्ट कर देते हैं। तो ये टारगेट इसका करीब आता है दोस्तों 610 के आसपास, इसे मार्क कर लेते हैं। तो ये आ गया 610, तो ये टारगेट हम 612 आ रहा है, तो 612 इसे हमने मार्क कर लिया। बट दोस्तों जब एक बार मार्कअप फेज में प्राइस आ जाती है और एक रिवर्सल का क्लियर कट सिग्नल देने के बाद तो ये हायर हाईज एंड हायर लोज बनाने की संभावना रखता है। तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, मैं एक ऑब्जर्वेशनल ट्रेंड लाइन खींचता हूं। आप देखिए ये ऑब्जर्वेशनल ट्रेंड लाइन है, प्राइस ने यहाँ टेस्ट किया, यहाँ टेस्ट किया और इसके पास से यहाँ से रिवर्सल दिखा रही है। तो इस ऑब्जर्वेशनल ट्रेंड लाइन से हम 180 बिलो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं जैसे जैसे प्राइस हमारे डायरेक्शन में मूव करती है। वन मोर थिंग जो दोस्तों बताना मैं भूल गया, यहाँ पे कैंडल का फॉर्मेशन देखें दोस्तों, ये दोनों कैंडल को अगर हम कंबाइन कर दें, सिंथेटिक कैंडल के बारे में एक जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट के अंदर में एक अलग से वीडियो है कि किस तरह से हम दो कैंडल्स को कंबाइन करके स्टडी कर सकते हैं। तो ये दो कैंडल को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमें क्या नजर आता है दोस्तों, ये एक पिन बार फॉर्मेशन है। चलिए मैं आपको दो दिन के चार्ट में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। ये आप देखिए, ये मैं लार्ज करके दिखाता हूँ, आप यहां पर देखिए ये पिन बार का फॉर्मेशन बन गया। और ये कैसे दोस्तों, क्योंकि हमने दो कैंडल, जो आज की कैंडल है 11th नवंबर की और जो लास्ट फ्राइडे की कैंडल थी जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, इन दोनों को कंबाइन किया तो ये क्लियर कट एक बुलिश पिन बार का फॉर्मेशन हुआ। इसका तात्पर्य ये दोस्तों कि ये क्लियर कट यहां पर EMA 21 पे एक स्ट्रांगली सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो इवन 500 भी स्टॉप लॉस इनफ होना चाहिए, बिकॉज ये लाइन सपोर्ट लाइन की तरह काम करेगी और इंटरवीनिंग EMA 21 बीच में है। तो ये एक अच्छा लॉन्ग ट्रेड नजर आ रहा है दोस्तों।